नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर में मंगलवार को एक दुखद घटना सामने आई। आकाशीय बिजली गिरने से दुल्लापुर थाना क्षेत्र के एक युवक की मौत हो गई। करुई के नवपुरवा निवासी 24 साल का यशवंत उर्फ सोनू धान के खेत में सोहनी कर रहा था। इसी बीच आकाशीय बिजली के चपेट में आ गया। परिजन जब तक अस्पताल पहुंचते सोनू की मौत हो चुकी थी। 2 माह से वेतन न मिलने से नाराज नगर पालिका के कर्मचारियों ने स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन नगर पालिका के बैनर तले नगर पालिका के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि 2 माह से वेतन न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने रेवतीपुर के ग्राम पंचायत कालूपुर में पानी की टंकी का स्थलीय निरीक्षण किया। घटिया निर्माण को देखकर जिलाधिकारी नाराज हुए। डीएम ने ए चंद्रभान यादव और जेई सुनील के वेतन से रिकवरी का निर्देश देते हुए इनके वेतन से ही चार दीवारी एवं फर्श को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराने का आदेश दिया। मोहनपुरवा में स्थित पशु चिकित्सालय के सामने बल्ली पटरा का कारोबार करने वाले 50 वर्षीय अशोक पाल की दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने करीब 1 सप्ताह पहले सीढ़ी का निर्माण कराया था। मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे सीढ़ी में लगे बल्ली पटरा को खोल रहे थे, इसी दौरान सीढ़ी बैठ गई। मलबे में दबने से अशोक पाल की मौत हो गई। सैदपुर में स्थित 33 केवी विद्युत उपकेंद्र ग्रामीण पर लगा 10 MV का ट्रांसफार्मर 1 सप्ताह पहले जल गया था। इस वजह से लगभग 300 गांव की बत्ती गुल हो गई थी। उच्च अधिकारियों के प्रयास से मेरठ से नया 10 MVA ट्रांसफार्मर लाकर उपकेंद्र पर लगाया गया। इसी तरह से करीब 300 गांव का अंधेरा दूर किया गया। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।